उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, नवरात्र समापन पर गोरक्ष पीठाधीश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिनों तक मां दुर्गा शक्ति की आराधना में लीन रहेंगे और फिर निकलेगी भव्य शोभा यात्रा भी। आज रविवार 22 अक्टूबर से ही नवरात्र की अष्टमी तिथि में विधि विधान से महानिशा पूजन और हवन कर लोक मंगल की प्रार्थना करेंगे सीएम योगी। चलिए अगली बड़ी खबर है। इस बार 1 लाख से ज्यादा गरीब बेटियों की शादी करवाएगी योगी सरकार। ये योजना कब से शुरू होने जा रही है तो आपको बता दूं, अगले महीने 23 नवंबर से ही सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों की शादी करवाएंगे सीएम योगी। और अब तो समाज कल्याण विभाग ने इस योजना में बदलाव करते हुए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करना बंद कर दिया है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एक नया पोर्टल भी विकसित किया गया है CMSVY। इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। चलिए अगली खबर है। यूपी सरकार की एक और नई प्लानिंग वन यूपी वन कार्ड योजना शुरू हुई है। इसके तहत आप उत्तर प्रदेश में सिटी बस से लेकर मेट्रो तक का सफर अब एक ही कार्ड से कर पाएंगे और वो भी यूपी के किसी भी शहर में यात्रा करनी हो एक ही कार्ड के जरिए आप सब कुछ कंप्लीट कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक बसों के लिए अलग से मासिक सीजन टिकट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस नई व्यवस्था से यात्रियों को टिकट के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। कार्ड रिचार्ज रहने तक आप आसानी से कहीं पर भी सफर कर पाएंगे। वन यूपी वन कार्ड योजना के तहत आपको ये फायदा मिलेगा। चलिए युवाओं के लिए बड़ी अच्छी कुछ खबरें हैं। गोरखपुर MMUT में 125 कंपनियां देंगी 33,843 युवाओं को रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 500 करोड़ का लोन भी बांटा जाएगा। जी हां, आपको बता दूं, मिशन रोजगार के तहत आज रविवार को गोरखपुर में ऑन द स्पॉट जॉब मेगा इवेंट का आयोजन होने जा रहा है। इस रोजगार मेले पर न सिर्फ नौकरियां मिलेगी बल्कि स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। वो ऐसे की बड़ौदा यूपी बैंक की तरफ से स्वरोजगार की योजनाओं के तहत युवाओं को 500 करोड़ रुपए तक का लोन भी बांटा जाएगा आज। और भी इस रोजगार मेले में अलग अलग तरह की नौकरियां मिलेगी युवाओं को। चलिए अगली खबर है। बड़ी खुशखबरी, वाहन चालकों पर मेहरबान हुई योगी सरकार। 3 साल तक के सभी चालान माफ होंगे। जी हाँ दोस्तों, नोएडा में 17 लाख से भी ज्यादा वाहन चालकों को योगी सरकार ने ये बड़ी राहत दी है। पिछले 3 साल के दौरान अगर आपकी भी गाड़ी का चालान काटा गया और आपने चालान अभी तक भी नहीं भरा तो अब आपको भरने की जरूरत नहीं है, आपका चालान माफ कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने पहले ही चालान का भुगतान कर दिया, अगर उनका क्या होगा तो आपको बता दूं, जिन लोगों ने चालान भर दिया उनके लिए कुछ भी होने वाला नहीं है, यानी कि चालान रिफंड नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों का चालान बाकी है उनको आप भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगी सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच जिन लोगों के गाड़ियों के चालान हुए उन्हें यातायात विभाग द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान लगभग 17,89,000 चालान जो जारी किए थे वो अब माफ किए जाएंगे, यानी उनके चालान की राशि 0 कर दी जाएगी। चलिए अगली खबर है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर परेड में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, यूपी में संगठित आपराधिक गिरोहों की टूटी कमर। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून का राज स्थापित करने में पुलिस कर्मियों की बड़ी भूमिका है और पुलिस कर्मियों के शहीद जवानों के परिवार के साथ हमेशा खड़ी है सरकार। स्मृति दिवस परेड में सीएम योगी ने कहा, चिंता ना करें। इससे पहले भी हाल ही में आपको बताऊंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों में 30% महिलाओं को आरक्षण देने का भी ऐलान किया था। तो ये वाकई में प्रदेश की माताओं बहनों के लिए भी अच्छी खबर है। और इतना ही नहीं, देखिए अब तो प्रदेश की लड़कियां कितनी आगे बढ़ रही है। देश की पहली महिला कमांडो बटालियन उत्तर प्रदेश में तैयार हो रही है। एक भी आतंकी नहीं बचेंगे, मिनटों में खात्मा कर देंगी ये बहादुर बेटियां। जी हां, यूपी पुलिस की महिला ब्रिगेड ने ये साहस की नई मिसाल पेश की है। सूबे में पहली बार ऐसा होने जा रहा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में पुलिस की ये महिला ब्रिगेड इस समय सुर्खियों में है। चलिए अगली खबर है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनेगा देश का पहला नौसेना सूर्य संग्रहालय। सीएम योगी ने इसका भूमि पूजन भी किया। लखनऊ के सीजी सिटी में ये बनाया जाएगा जो कि ये देश का पहला नौसेना संग्रहालय होगा। अच्छा, अगली खबर आ रही। दिवाली से पहले योगी सरकार का बोनस। यूपी में 19 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों का बढ़ेगा DA। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार की ओर से अंतिम रूप दिया जा रहा और प्रस्ताव पास होने के बाद ये दीपावली से पहले 19 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलेगा, जिसमें लगभग 12 लाख तो टीचर और अलग अलग क्षेत्रों के कर्मचारी हैं जिनका DA 4% तक बढ़ जाएगा। चलिए खबर है। PMKSK ने घटाया खेती का खर्चा। इप्को के मुख्य प्रबंधक बाराबंकी पहुंचे और बोले कि अब बोरा नहीं केवल एक बोतल यूरिया से ही कमाल हो रहा। लिक्विड यूरिया बोतल को किसानों के सामने प्रस्तुत करते हुए किसानों से बातचीत की और कहा कि एक बोरी यूरिया का काम एक बोतल नैनो यूरिया ही कर सकता है। इससे यूरिया का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कई गुना घट जाएगा और किसानों को भी सस्ते में उनकी खेती के लिए यूरिया का अल्टरनेट मिल सकेगा। वहीं जल्द ही खुदरा दुकानों को PMKSK में बदला जाएगा, ये भी फैसला लिया गया। और किसानों से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। ग्रेटर नोएडा में किसानों के धरने में शामिल होंगे राकेश टिकैत। 9 अक्टूबर से 0 पॉइंट पर चल रहा किसानों का धरना। वैसे किसानों को योगी सरकार ने अंतिम हिदायत भी दी और कहा कि लापरवाही भारी पड़ेगी, 15,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा अगर किसान भाई लोगों ने पराली
जलाई तो। चलिए अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर कंपनियों को देना होगा आम जन की सुरक्षा का गारंटी कार्ड। योगी सरकार की तरफ से जारी किया गया आदेश, यूपी स्मार्ट प्रीपेड मीटर में अब आपूर्तिकर्ता कंपनियों की मनमानी व घटिया तकनीक कतई नहीं चलेगी। आम जनमानस के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होने पर ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। दूरसंचार मंत्रालय व ऊर्जा मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। और बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के 25,000 से भी ज्यादा मदरसों पर ATS नजर बनाए रखे हुए हैं। अगर कहीं किसी मदरसे में देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए पाया जाता है या संदेह भी होता है तो उस मदरसे की जाँच की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। चलिए अगली खबर है दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम मंदिर का निरीक्षण किया और बताया कि 31 दिसंबर तक मंदिर का फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा। सीएम योगी बोले कि पूरा देश दीपोत्सव और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा, देश दुनिया करेगी दिव्य भव्य अयोध्या के दर्शन। 500 सालों बाद हमें गर्व करने का मौका मिल रहा है क्योंकि भव्य राम मंदिर जो बनकर तैयार होने में है। और वहीं उत्तर प्रदेश में आने वाली पुलिस भर्ती को लेकर भी सीएम योगी ने बड़ा तोहफा दिया। दशहरे से पहले यूपी पुलिस में होगी 65,000 पदों पर नई भर्ती। प्रदेश में युवाओं को यह बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, जो कि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जल्द ही 65,000 पदों पर यह नई भर्ती आने वाली है। सीएम योगी ने कहा कि साल 2017 के बाद यूपी पुलिस में अलग अलग पदों पर 1,51,000 भर्तियां की गई, जिनमें 22,000 से ज्यादा तो महिला पुलिस कर्मी भी हैं। और साथ ही यूपी पुलिस की कार्यकुशलता की सराहना भी की मुख्यमंत्री ने और पुलिस कर्मियों की मदद के लिए हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिलाया। यूपी पुलिस का कुल बजट 37 करोड़ से भी ज्यादा रखा गया इस साल और अब जल्द ही 65,389 पदों पर नई भर्तियां होगी, जिनकी अलग अलग जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो फटाफट से और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, राज्य सम्मेलन में किसान नेताओं ने मांग की किसान सम्मान निधि नहीं, किसानों को उनकी फसल का दाम सही दिलाया जाए। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए निवेश किया गया 65,000 करोड़ से ज्यादा के कार्यों का प्रस्ताव पास हुआ। यूपी के यात्रियों को आज रामनगरी से बड़ी सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे ज्यादा मेरठ और गाजियाबाद को इसका फायदा होगा। दरअसल आज रविवार को सीएम योगी कुल 51 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिससे कि यात्रियों को दूर दराज इलाकों में बस की व्यवस्था मिल पाएगी और उत्तर प्रदेश रोडवेज की आमदनी भी बढ़ेगी, जिसमें गाजियाबाद और मेरठ जनपद को 15-15 बसें आवंटित की गई है, जबकि धार्मिक नगरी बनारस अयोध्या के अलावा लखनऊ व गोरखपुर रीजन को भी कुछ ही बसों का तोहफा मिलेगा। और वहीं देखिए यात्रियों के लिए एक और काम की खबर, वाराणसी से होते हुए जाएगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। रेलवे की तरफ से यह फैसला लिया गया जिससे कि दीपावली व छठ पूजा पर अपने गांव गोट आने जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। और वहीं उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की ओर से PME बस सेवा के संचालन को लेकर 37 रूट फाइनल किए गए हैं और जल्द ही सेक्टर 90 स्थित नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन सिटी बस डिपो से 100 मिड बसों का संचालन भी शुरू करेगा, तो अब जेवर एयरपोर्ट के लिए भी बस मिल पाएगी। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वेस्ट यूपी के रूट्स को भी निर्धारित किया गया। रेलवे से एक और अच्छी खबर है, लाल कुआं बेंगलुरु के बीच जल्द शुरू होगी रेल सेवा। इज्जत नगर मंडल ने बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। और वहीं त्योहारों के दौरान ट्रेन में यात्रा करते दौरान सावधान रहें, ट्रेनों में महिला चोरों का एक गिरोह घूम रहा है। उत्तर प्रदेश रेलवे प्रशासन की तरफ से यूपी के सभी रेल यात्रियों को ये चेतावनी जारी की गई है, कहीं आपकी कोई जेब कतरा जेब ना काट लें, यात्रा करते दौरान सावधान रहें, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है, वाराणसी शहर के सिनेमाघरों में अब 30 की जगह 1,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा हर शो पर। पहले प्रति शो 30 रुपए का चार्ज लगता था, लेकिन अब इसकी जगह 1,000 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा सिनेमाघरों को। नगर आयुक्त की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और हो सकता है कि इसके बाद आपकी टिकट की कीमतें भी बढ़ जाए तो वाराणसी में फिल्म देखना भी महंगा हो सकता है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश से चल पड़ी नमो भारत ट्रेन, यात्रियों का गुलाब देकर स्वागत किया गया। 95 की स्पीड पर जब ट्रेन मुड़ी तो काफी रोमांचक नजारा लगा। साहिबाबाद और दुहाई स्टेशन के बीच सफर पूरा हुआ। इस ट्रेन के उद्घाटन के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला पायलटों से भी बातचीत की थी और कहा कि आप तो मालिक हैं। नमो भारत ट्रेन के सहारे नरेंद्र मोदी ने 2040 तक का रोड मैप पेश किया। और वहीं खबर देखिए, यूपी उन्नाव में सरैया वाटिका बनकर तैयार हुई, आज इसका शुभारंभ हुआ। 62.5 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण कराया गया। बच्चे, युवा, बुजुर्गों के लिए व्यवस्थाओं की भरमार है। उन्नाव के शुक्ला गंज इलाके में ये बनाई गई है, आप भी चाहे तो घूमने जा सकते हैं। प्रयागराज में सड़क चौड़ीकरण के लिए 3,000 से ज्यादा मकान ध्वस्त किए जाएंगे। PDA के नोटिस के बाद लोगों में मचा हड़कंप। सबसे ज्यादा मकान ध्वस्तीकरण का कार्य इन इलाकों में किया जाएगा। बड़ी खबर है, पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर कर्मचारियों ने किया मौन प्रदर्शन। कासगंज रेलवे स्टेशन के बाहर संयुक्त मंच के माध्यम से धरना प्रदर्शन हुआ। और कानपुर में सफाई कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। बहाल होंगे हटाए गए 381 सफाई कर्मचारी। कर्मचारियों ने सैकड़ों की संख्या में नगर निगम पर पहुंचकर प्रदर्शन किया तो महापौर ने यह आश्वासन भी दिया। बड़ी खबर देखिए, गोरखपुर में शोर के साथ थमा DJ का कारोबार भी। ये बुकिंग कम क्यों हुई? तो दरअसल DJ की तेज आवाज के खिलाफ यूपी सरकार के अभियान का असर DJ वालों के बिजनेस पर भी देखने को पड़ रहा है। बड़ी खबर देखिए, गोरखपुर में ठगी का अनोखा मामला सामने आया। विदेश भेजने के नाम पर 17 लोगों से 12,81,000 रुपए की ठगी की। फर्जी अकाउंट खुलवाकर लोन ले लिया। आप भी सावधान रहें, कोई विदेश जाने के नाम से या किसी भी नाम से आपसे कोई
डॉक्यूमेंट मांगे आपके आधार कार्ड पैन कार्ड तो ना दें कभी, है ना। त्योहारी सीजन में मिठाई मावे वगैरह को लेकर मिलावट का बाजार काफी बढ़ रहा है। मावा खरीदते समय आप भी सावधान रहें। असली मावा थोड़ा ऑयली और दानेदार होता है, उसके बाद उसमें घी की महक आ रही है तो वो असली मावा होता है। हथेली पर देकर आप थोड़ा गंध से उसे महसूस कर सकते हैं। बड़ी खबर है, गोरखपुर में 3900 माँ की प्रतिमाएं स्थापित की गई, लेकिन प्रशासन के कोई खास इंतजाम नहीं है, इसीलिए दशहरा तक आपको ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है। गोरखपुर में नवरात्रि पर आदि शक्ति का सम्मान, शक्ति के नवरूपों का श्रृंगार हुआ। कवियत्रियों ने अपनी रचनाओं से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। भदोही में 62 लाख की लागत से बना दुर्गा पांडाल, स्वामी रंगनाथ मॉडल पर इसे बनाया गया। 27 अक्टूबर तक चलेगा पूजन। खबर देखिए, महाराजगंज के अंकुर का इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। मात्र 42 सेकंड में इन्होंने हनुमान चालीसा सुनाई और इतने कम समय के चलते इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। डीएम ने इन्हें सम्मानित भी किया। खबर है, गोंडा में 11,000 कन्याओं के कन्या पूजन को लेकर तैयारियां पूरी हुई। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा कन्या पूजन करके। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज होगा, क्योंकि एक साथ इतनी लड़कियों को अब तक दुनिया में कहीं खाना नहीं खिलाया गया। चलिए अगली बड़ी खबर है, ग्रेटर नोएडा में 1500 करोड़ रुपए से बनेगा औद्योगिक पार्क। एक जगह पर लगेंगे करीब 600 उद्योग, 20,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। वहीं ग्रेटर नोएडा में हायर के फेज 2 की इकाई का मैप स्वीकृत हुआ। जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी शुरू होगा। यहां 400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, इससे भी 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। खबर देखिए, आगरा में तैयार हुआ गगनयान मिशन का पैराशूट। क्रू मॉड्यूल में 10 पैराशूट लगाए गए। एस्ट्रोनॉट की पृथ्वी पर यह सेफ लैंडिंग कराएगा। और अच्छी बात तो यह है दोस्तों कि इस गगनयान मिशन का पहला ट्रायल भी सफल हो चुका है। इसरो की तरफ से कल ही इसकी लॉन्चिंग करके सफल परीक्षण किया गया। गोरखपुर में रोजगार की सौगात लेकर आ रही 100 फैक्ट्रियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। गोरखपुर में गीडा के स्थापना दिवस पर ये 100 नई फैक्ट्रियों के शिलान्यास का लक्ष्य रखा गया है। 30 नवंबर को गीडा का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और ये 100 ऑफ फैक्ट्रियां लगाने से औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ेगा ही, साथ ही आसपास के कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वाराणसी में डोर टू डोर QR कोड से कूड़ा उठान की सुविधा शुरू हुई। स्मार्ट सिटी के कमांड सेंटर से होगी निगरानी। बागपत जिले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 200 करोड़ का तोहफा देने जा रहे हैं। अब यहां विकास की गंगा बहेगी, कार्यक्रम तय हुआ, जुटे अफसर तैयारियों में। 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बागपत में कार्यक्रम तय किया गया। यहां पहले वो भगवानपुर नांगल में श्रीमद भगवत कथा का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद 200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं देखिए, योगी सरकार ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को भी बड़ा तोहफा दिया। पहले मिलेगा पक्का मकान, फिर उन झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाएगा, ये नया आदेश जारी हो चुका है। और खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रवि किशन भी बने छत्तीसगढ़ चुनाव में स्टार प्रचारक। 40 नेताओं में उनका नाम शामिल हुआ। लोकसभा चुनाव करीब आते ही उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हुई। बीजेपी के सहयोगी दल बनाने भी लगे दबाव। इस बार इलेक्शन पर उत्तर प्रदेश में 809 पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। अब टोटल 162,000 बूथों पर मतदान होगा। 27 तारीख से मतदाता बनाने का विशेष अभियान भी चलेगा यूपी में, जिसमें आप भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ पाएंगे। और वहीं देखिए, गोरखपुर MTU में अब BTEC के बाद छात्र कर सकेंगे PhD भी, उनको प्रवेश मिलेगा डायरेक्टली। ये नई सुविधा शुरू की गई है, इससे परिसर में शोध और अनुसंधान की प्रक्रिया तेज करने और गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। BTEC में अगर छात्र के 75% से ज्यादा नंबर है तो सीधा यहीं पर PhD में मतलब एडमिशन मिल जाएगा, है ना। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में आने वाले PET परीक्षा एग्जाम को लेकर कुछ नियम जारी किए गए हैं। 28 और 29 अक्टूबर को ये परीक्षा होगी। परीक्षा का आयोजन 35 जिलों में होगा। एग्जाम के लिए हॉल टिकट भी जारी हो चुके हैं और युवाओं के लिए कुछ रूल्स भी आप देख सकते हैं। जैसे आपको अपना एक ID कार्ड साथ में ले जाना होगा, स्मार्ट वॉच, माइक्रोफोन, ईयरफोन, मोबाइल वगैरह की इजाजत नहीं होगी। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, प्रयागराज में 652 मेधावियों को मिला स्मार्टफोन और टेबलेट। सांसद डॉक्टर रीता जोशी ने कहा, नई शिक्षा नीति में युवाओं को तकनीक से जोड़ना आवश्यक है। कानपुर में बुखार के मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए गए। चिकनगुनिया और डेंगू के मरीज बढ़ने के बाद डॉक्टरों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी गई हैं। बीमारियों की रोकथाम के लिए वाराणसी में भी अधिकारियों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। अब तक 136,000 से ज्यादा लोगों का सर्वेक्षण हुआ, जिसमें 464 घरों में मच्छरों का लार्वा पाया गया। गोरखपुर मंडल में अभी तक 450 से ज्यादा मरीज हैं और 1,000 बेड का इंतजाम है। डेंगू से हालात काफी बिगड़ रहे हैं। बरेली में 19 नए मरीज मिले, एक बेड पर 2-2 मरीजों का हो रहा इलाज। कई जगहों पर बेड बहुत कम पड़ रहे हैं। डॉक्टरों की चेतावनी, हेपेटाइटिस का समय से इलाज न कराने पर लीवर कैंसर भी हो सकता है, इसलिए ऐसी गंभीर बीमारियों को इग्नोर ना करें। यूपी में डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया भी कहर बरपा रहा। प्रयागराज में 196 और सहारनपुर में 112 केस चिकनगुनिया के सामने आ चुके हैं। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने एक और नया कीर्तिमान हासिल किया है। 4 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। और दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, आपके जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली रिव्यू न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।